मैं कह रही हूँ आप लोगों में ये जो खून का उबाल है, ये बांग्लादेश वाले मसले पर क्यों नहीं आ रहा है? इस पर जब यहाँ के अल्पसंख्यकों पर कोई अटैक आता है तो मानव का संसार हो जाती है, इंसानियत बनी चढ़ जाती है। यहाँ नहीं, दुनिया में कहीं भी इकोसिस्टम है, दुनिया में कहीं भी किसी भी अल्पसंख्यक का हमला नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी कहे नहीं किया हमले से इसको बड़े ही मुल्क में। मणिपुर पर प्रधानमंत्री 2 महीने बाद बोले, जब हजारों लोगों को कत्लेआम किया गया और बहनों को नंगा घुमाया गया। हम हर मुद्दे पर संवेदनशील है, लेकिन समाजवादी लोग हिंदुओं का कम से झंडा बरदार हो गए। स्वघोषित झंडा बरदार बनते हो और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कंधे से चोरी कर लेते हो। इस चिरकुट ने चोरी शब्द कहा, ये चोर है, डाकू है, इसकी पार्टी बलात्कारी है, इस हरम में ने चोर कैसे कहा? नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मेहतार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका के बीच में। दोस्तों बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रही हिंसा को लेकर डिबेट है, जिस डिबेट में प्रेम शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जम के रेला है। दोस्तों वीडियो बहुत मेहतार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। पुलिस अगर सख्ती से कार्रवाई करती रूबिका, उसको सैद्धांतिक वैचारिक बुद्धिमता से बचाया ना जाए, वो इस तरह के उसके कई वीडियो हैं, वो लगातार उन्मादी बयान देता है, उस पर NSA लगाया जाना चाहिए। ऐसे उन्मादियों को कभी जेल से निकलने नहीं देना चाहिए, वो समाज के लिए, हमारे नागरिकता के लिए, हमारे विविध तरह के मान्यताओं में एकता वाला जो भाव है उसके लिए ऐसे लोग ठीक नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोगों का समर्थन, और मैं तो आपका समर्थन कर रही हूं। अगर ये अपराधी है, अगर ये देश के उस ताने बाने को चोट पहुंचा रहा है तो इसको जेल की सलाखों में होना चाहिए। मैं कह रही हूँ आप लोगों में ये जो खून का उबाल है, ये बांग्लादेश वाले मसले पर क्यों नहीं आ रहा? इस पर तो आपने बहुत बातें बोल दी। मैं कह रही हूँ हिंदू नाम आते हैं, आप कैसे मसले पे आए? नहीं, मैं आप मेरी बात सुनिए ना, मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। आप देखिए ना, सुरक्षित किया जाना चाहिए, सरकार को आवाज उठानी चाहिए। एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, एक नैरेटिव कितना भयंकर तौर पर बिल्ड कर दिया जाता है कि जब यहाँ के अल्पसंख्यकों पर कोई अटैक आता है तो मानवता संसार हो जाती है, इंसानियत बलि चढ़ जाती है। यहाँ नहीं, दुनिया में कहीं भी इकोसिस्टम है, दुनिया में कहीं भी किसी भी अल्पसंख्यकों का हमला नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी कहे नहीं किया हमले से इसको बचाया नहीं जा सकता। इंडिया गठबंधन के तरह के देश नहीं है, इंडिया गठबंधन के देश नहीं है ना। हमारी जो स्वतंत्रता है किसी मजहब किसी भाषा के आधार पर नहीं है। हफ्ता भर बीत गया है, देना चाहते हैं, अब तक एक ट्वीट नहीं कर पाए आपके साथी गठबंधन साथी, उनसे आप सवाल करिए। समाजवादी पार्टी के पक्ष में है कि हमारे लोगों पर दुनिया में कहीं भी हमला नहीं किया जाना चाहिए। हमारे लोगों पर दुनिया में कहीं भी हमला अगर किया जा रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। पुरजोर विरोध। निजेश अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं? पूछिए कि नरेंद्र मोदी सर, इफ एंड बट आज मत कीजिए, कोई इफ एंड बट मत कीजिए सर, बाद में राजनीति आप करते रहिएगा, जितना करना है आपको, जितना प्रेम शुक्ला जी को कटघरे में करना है खड़े कर दीजिएगा सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आज इन हिंदुओं को हमारे समर्थन की जरूरत है। कहाँ है सारे मौलवी? इंसानियत के पैरोकार निकाले ना जुलूस। मैं कह रही हूँ बगल में एक के बाद एक नरसंहार हो रहा है, और नरसंहार करने वाले कौन है सर? कट्टरपंथी लोग हैं। आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं सवाल करते? अरे नरेंद्र मोदी से कैसे, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग जाकर मार रहे हैं क्या सर? क्या बातें कर रहे हैं? जो मारकाट कर रहे हैं मैं उनसे सवाल पूछूंगी ना, और किससे सवाल पूछूंगी? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और UN को कितने लेटर? नरेंद्र मोदी ने तो उसी दिन ट्वीट कर दिया था सर। नरेंद्र आप सिर्फ ये सवाल हो जाता है, आप पूछिए ना, नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछिए, पूछिए आप। रुबिका जी, मैंने मना किया आपसे सवाल पूछने के लिए, आप पूछिए ना सवाल। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को देश की सरकार ने, जो हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है उसके देश की सरकार ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अत्याचार को बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार से डू नॉट ट्राई टू कंपेयर सर प्लीज। इकोसिस्टम जो काम करता है
अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो किसी को दर्द क्यों नहीं होता? मुझे वजह तो बताइए, क्यों दर्द नहीं होता है? क्यों ऐसा नहीं लगता है कि अरे बाप रे कयामत आ गई है, ये सारी लाली लिपस्टिक लगाकर, मैं भी लगाती हूँ लाली लिपस्टिक, लेकिन समझ से तो काम लेती हूँ ना, ऐसा नहीं कि कोई पर्ची पास करता है और उसको चिपका देती है। देखिए, चूंकि हिंदू वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हिंदू वोट बैंक बनकर काम नहीं करता, इसलिए जो वोट बैंक के सौदागर हैं उनको हिंदुओं के कत्लेआम पर दर्द नहीं होता। चूंकि हिंदुओं के लिए ऐसा कोई संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग नहीं होती, आपको पता होगा है कि सऊदी जितने भी यूरोप से बहुत सारे अमेरिका की धरती से चलने वाले जो NGO हैं, संगठन हैं, मानवाधिकारवादी संगठन हैं, उनकी फंडिंग अरब से होती है। आप इसको भली बात जानती है रूपिका जी। अब उनको फंडिंग नहीं मिलती है, तो जिनको फंडिंग नहीं मिलेगी, जो किराए के रुदाली हैं, किराए के रुदाली रोदन कब प्रारंभ करेंगे? वो रोदन तब प्रारंभ करेंगे जब उनके लिए उनके जो आका हैं वो जब इशारा करेंगे। अब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है तो कट्टरपंथी इस्लामी शक्तियों को चंदा बांटने वाले, वही चंदा देते हैं इस्लामी कट्टरपंथियों को भी, वही चंदा देते हैं मानवाधिकार संगठनों को भी, तथाकथित जो मानवाधिकार संगठन है वो कैसे रोएं? और आप देखिए ना, आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय प्रियंका वड्रा जी, इनको एक ट्वीट करने में 7 दिन का समय लगा है। आप कल्पना कर सकती हैं कि श्रीमान मनोज काका जो है, वो जिस किसी ने कानून हाथ में लिया उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कोई भी बांग्लादेशी को भी अपने हाथ में कानून में हाथ लेकर भगाना चाहे उस पर कार्रवाई होगी, ये कानून का राज है, कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। लेकिन मनोज काका ने कितना, आपने स्वयं जो उनको टोका, लेकिन आपने मनोज काका को 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में हिंदुओं के नरसंहार पर विविध चैनलों की डिबेट में गए हैं, कहीं एक शब्द जो है इन्होंने पीड़ा के व्यक्त किए क्या? अब ये कह रहे हैं कि सरकार, मोदी सरकार ने इस पर जो है पत्र लिखना चाहिए। साहब फिलिस्तीन पर भी फिर तो मनोज बाबू, फिलिस्तीन पर भी फिर मोदी सरकार को स्टैंड लेना था। फिर आप लोग जो है काहे चीखने चिल्लाने लगे? छोड़ देना चाहिए था कि मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय मामला है, वो स्टैंड लेगी। देखिए, जो लोग इस पड़ोस में हो रहे अराजकता का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो प्रेम बाबू तमाम तरह के अपने दावे दिखा रहे हैं, उन बिचारे से बस एक सवाल पूछ लीजिए कि अपने ही मुल्क में मणिपुर पर प्रधानमंत्री 2 महीने बाद बोले, जब हजारों लोगों को कत्लेआम किया गया, बहनों को नंगा घुमाया गया। हम हर मुद्दे पर उतने संवेदनशील हैं, लेकिन समाजवादी लोग किसी तरह से बीजेपी के धार्मिक उन्मादियों की तरह आग लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपको इतना ही पता नहीं है कि हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, हम बांग्लादेश की तरह नहीं है, हम चाइना की तरह नहीं है, हम भारत हैं। हम सभी तरह के धर्मों को, संप्रदायों को, मजहबों को स्थान देते हैं। धार्मिक उन्मादियों के कंधों पर बंदूक रख के हम नफरत का व्यापार नहीं करते। आपने सबसे ज्यादा बेरोजगार इस देश में हिंदुओं को ही बनाया, सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदुओं को बनाया, सबसे ज्यादा महंगाई में हिंदुओं को धोखा, हिंदुओं के नौजवानों को ही अग्निवीर बना दिया। आप हिंदुओं के कोई झंडा बरदार थोड़ी हो, आप सौदागर हो। समझाओ इसे, समझाओ। सौदागर हो, वोट के सौदागर हो आप, देना थोड़ी चाहते हो आप। हिंदुओं का कब से झंडा बरदार हो गए? स्वघोषित झंडा बरदार बनते हो और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेते हो। कैसा झंडा बरदार हो आप? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ये देखिए, आपत्तिजनक प्रश्न, इसको मैं चोर का चिरकुट शब्द कहूं क्या? चोरी शब्द का इस चिरकुट ने चोरी शब्द कहा, ये चोर है, डाकू है, इसकी पार्टी बलात्कारी है, ये जमीन कब्जा कर रहे, चोर शब्द कैसे कहा इसने? इस हरम में ने चोर कैसे कहा? इस चिरकुट ने चोर कैसे कहा? इसको मैं चोर कहूंगा, चिरकुट कहूंगा, डाकू कहूंगा, बलात्कारियों का सरगना कहूंगा, चलेगा क्या आपको? बहुत बड़े उन्मादी, चलेगा क्या आपको? इसे चोर, एक सेकंड, प्लीज।
तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मुझे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।